मध्य प्रदेश के बैतूल में वन कर्मियों के खुलेआम भ्रष्टाचार का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया। आमला रेंज की महिला डिप्टी रेंजर और उनके दो सहयोगी बीट गार्ड अवैध खनन में पकड़ी गई जेसीबी मशीन को छोड़ने के बदले में रिश्वत लेते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। रिश्वत का यह पूरा मामला बड़ा ही रोचक है। दक्षिण वन मंडल के आमला रेंज के बरसाली सर्किल के सुहागपुर गांव में कोपरा का उत्खनन करते हुए वन कर्मियों ने एक जेसीबी मशीन पकड़ी थी, जिसे छोड़ने के लिए अवैध उत्खनन करते वन कर्मियों ने एक बड़ी रकम की मांग की गई, लेकिन अवैध खननकर्ता से कुछ हजार में मामला तय हुआ। अवैध खननकर्ता ने तीनों वन कर्मियों को एक होटल में रिश्वत की यह रकम सौंपी, जो कि होटल में लगे अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। रिश्वत कांड की वीडियो वायरल होते ही दक्षिण वन मंडल के डीएफओ विजयानंतनम टीआर ने तुरंत एक टीम बनाकर जांच करवाई, और जिसमें प्राइमा फैसी डिप्टी रेंजर सीमा चौकीकर और बीट गार्ड अभिषेक दीक्षित और पंकज सातनकर को दोषी पाए जाने पर तत्काल निलंबित कर दिया है। मेरा चेक कर लीजिए आप। ओके, क्या मामला था मैम? ये जो निलंबन की कार्रवाई थी, एक्चुअली क्या है, डीएफओ साहब के पास एक फुटेज आई थी सीसीटीवी वाला, और उसके एक वीडियो था और उसमें फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ थे, तो साहब ने इसीलिए जांच के लिए भेजा था। क्या जांच पाया गया उसमें? ये था कि एक जेसीबी वाले को इन्होंने पकड़ा था और प्रकरण दर्ज नहीं किया था। बीट है, इसमें एक एरिया में जेसीबी से मिट्टी खुदाई का कार्य किया जा रहा था, और उसी के संबंध में एक जेसीबी इन्होंने पकड़ी थी, और बाद में 27 तारीख का मामला है ये, तो बाद में पता चला कि ये इन्होंने वो जेसीबी छोड़ दी, तो उसी के संबंध में फिर जो है कुछ फैक्ट्स पता चले, और क्योंकि आरोप गंभीर थे इसलिए जो संबंधित वहाँ के मौके के बीट गार्ड और वनपाल थे उनको शिकायत की जांच बराबर से हो पाए, इसलिए उनको हाल फिलहाल निलंबित कर दिया गया, और उसके संबंध में अब जांच चलेगी, तब सारे फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे। कितने लोगों को निलंबित किया? इस प्रकरण में 3 लोगों को निलंबित किया गया है, जिसमें है बीट गार्ड अभिषेक दीक्षित, बीट गार्ड पंकज सातनकर, और वनपाल सीमा चौकी का।